और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है, सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं, तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे और बागेश्वर धाम के पागल ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है। और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें